हम आपको हौसले और हिम्मत की कहानी दिखाते हैं। ये कहानी है हिमाचल की रहने वाली सौम्या ठाकुर की, जो बचपन से व्हीलचेयर पर है, लेकिन उन्होंने कभी भी व्हीलचेयर को अपनी मजबूरी नहीं माना, बल्कि अपनी मजबूती की पहचान बनाया। बताते हैं कैसे। दरअसल सौम्या मैक्सिको जा रही है, जहां वो मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड मुकाबले में हिस्सा लेंगी। जी हाँ, इस कॉन्टेस्ट में 30 देशों की लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 23 अक्टूबर से शुरू हो रही है। ये व्हीलचेयर सौम्या की मजबूरी नहीं बल्कि उनकी मजबूती है। सौम्या का ताल्लुक हिमाचल प्रदेश के सोलन से है, लेकिन वो पिछले 15 साल से पंचकुला में रह रही हैं। और सोलन की ये बेटी देश का नाम रोशन करने मैक्सिको के रोसारेटो जा रही है। 23 अक्टूबर को मैक्सिको में इस साल की मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड को चुना जाना है, और सौम्या उस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में भारत का चेहरा है। सौम्या बचपन से ही लोकोमोटर डिसेबिलिटी से जूझ रही हैं। इनके पैर ज्यादा भार नहीं उठा सकते, लेकिन ये बातें सौम्या के लिए मायने नहीं रखते। इन्होंने हमेशा अपनी ताकत और हुनर पर भरोसा किया है, और इसी भरोसे का नतीजा है कि आज मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड की रेस में ये भारत का चेहरा है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड इंडिया में राजलक्ष्मी मैम एंड प्रिया मैम। तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये किया था, तो वहां से मैंने देखा एंड आई अप्लाइड देयर। अराउंड 151 कैंडिडेट्स आए थे, तो उनमें से दो सेमीफाइनलिस्ट जो ब्रांड एम्बेसडर थे उन्होंने चूज किए। एंड आफ्टर दैट वो नाम उन्होंने मैक्सिको अथॉरिटी और जो मिस व्हीलचेयर जूरी है वहाँ पे सेंड किए। उन्होंने वीडियो ऑडिशन लिया था और हमारा पहले का काम देखा, एंड दे चूज मी एंड दे मेड मी मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड इंडिया। सौम्या मोहाली की कंपनी में काम करती है। कुछ दिन पहले ये एक हादसे का भी शिकार हो चुकी हैं, लेकिन हिम्मत सौम्या की पहचान है और उसी हिम्मत को बटोर कर ये अपने मिशन में जुट गई हैं। मैक्सिको में सौम्या का मुकाबला 30 देशों की लड़कियों से है, और सबको उम्मीद है कि मैक्सिको में भी सौम्या का जादू सबके सिर चढ़कर बोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।